बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस पाकिस्तान के नाजरीन, नहायत ही अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान को 5 साल के लिए नाहल कर दिया और अपने फैसले में फौजदारी की शिकें भी आयद की। तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि नून लीग का एक नौकर ने यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ मुल्क भर में अवाम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है और टायर जांच करवाया जा रहा है। अब जो सूरत हाल बनी है वो नहायत ही कशीदा है। सादा अल्फाज में कहूँ तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपना पहला हुक्म का यक्का शो कर दिया है। देखें, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान इस सारे मामले से पहले ही वाकिफ था। वो पाकिस्तान की तारीख को बखूबी जानते हैं। उन्होंने भट्टो को भी बहुत करीब से स्टडी किया है। वो कभी भी वो गलती नहीं करेंगे जो भट्टो से या दीगर सियासतदानों से हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बैरून मुल्क महफूज करके रखी हुई है जो के वक्त के साथ साथ पब्लिश की जाएंगी। उन वीडियोस में इमरान खान ने उन तमाम कुवतों का जिक्र किया है जो नजर आती हैं और जो नजर नहीं भी आती। फोकस पाकिस्तान के नाजरीन, उन वीडियोस में से पहली वीडियोस पब्लिश कर दी गई है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसके मतलब इमरान खान ने कहा है कि मैंने कोई लाकानूनियत नहीं की, मुझे एक महसूस ग्रोह ने दीवार के साथ लगाया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अवाम आजाद हो और अपने इस मुल्क को एक आजाद रियासत बनाया जाए। इमरान खान की यह पहली वीडियो कहाँ से रिलीज हुई, किसने रिलीज की, ताहाल इसकी मालूमात ना मिल सकी। वीडियोस में इमरान खान ने कहा कि जब तक ये वीडियोस आप तक पहुंचेगी तब तक शायद मुझे एक नाजायज केस में फंसा कर आपसे दूर कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, मुख्तसर बात ये कि एक हकीकी इंकलाब का वक्त हुआ चाहता है। इसके साथ ही मैं जज चाहता हूँ, अल्लाह निगेबान।